हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना किरण डिलन। दोस्तों, आज अपने सामने है द ऑल न्यू MG कोमेट EV। आइए दोस्तों, इसका एक मैं आपको वॉक अराउंड देता हूं। दोस्तों, ये काफ़ी फ्रेश लुक्स के साथ एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लुक्स के साथ द ऑल न्यू EV आई है, कॉमेट EV। कुछ इस तरह से आपको इसका रेयर लुक मिलता है। दोस्तों, बात करें तो ये जो अपने सामने मॉडल है, इसका नाम है द MG कॉमेट EV प्ले। ये सेकंड टॉप मॉडल है, इसमें टोटल 3 मॉडल्स आते हैं। तो एक टॉप, एक मिडिल, एक बेस, ये मिडिल मॉडल है। बात करें दोस्तों इसके फ्रंट हेडलैम्प्स की, तो इसमें आपको कुछ इस तरह के LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स मिलते हैं। कुछ इस तरह का दोस्तों आपको यहाँ पे फ्रंट लुक मिलता है। यहाँ पे आपको MG की बैचिंग मिलती है एंड यहाँ पे एक ब्लू कलर की थीम का यूज़ किया गया है, जो कि इसे EV की तरफ पॉइंट करता है। यहाँ पे आपको दोस्तों इस तरह की इसमें बड़ी विंडस्क्रीन मिलती है एंड यहाँ पे आपको 2 इसमें वाइपर मिलते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको इसमें साइड मिरर्स में आपको LED लैम्प मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर्स, जो कि इसे काफ़ी स्टाइलिश बनाते हैं। बात करें दोस्तों इसके टायर साइज़ की, तो इसमें आपको 12 इंचेस का टायर साइज़ मिलता है एंड जो इसकी टायर प्रोफाइल है वो 145/70R12 है एंड इसमें आपको C8 कंपनी के टायर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें एलॉयज नहीं आते, व्हील कैप्स आते हैं कंपनी की तरफ से, जो कि इसे काफ़ी अच्छी लुक्स देते हैं, नीट एंड क्लीन। दोस्तों, कुछ इस तरह से इसकी आपको साइड प्रोफाइल मिलती है। यहाँ पे आपको दोस्तों इसके जो डोर हैंडल में आपको क्रोम का यूज़ मिलता है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें डायमेंशंस की, तो जो इसकी आपको ओवरऑल लेंथ मिलती है वो 2974 mm की आपको इसकी लेंथ मिलती है एंड जो इसकी आगे से आपको विड्थ मिलती है वो 1505 mm की आपको इसकी विड्थ मिलती है एंड जो इसकी विड्थ है वो एक्सक्लूडिंग दी साइड मिरर्स। एंड जो आपको इसकी ओवरऑल हाइट मिलती है वो 1640 mm की आपको इसकी हाइट मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक की मैचिंग मिलती है। कुछ इस तरह का आपको स्टाइलिश इसमें रियर लाइट्स मिलती हैं एंड यहाँ पे आपको MG की बैचिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको कॉमेट लिखा मिलेगा एंड दोस्तों, जैसे MG की सारी गाड़ियों की तरह इसमें भी आपको इंटरनेट मिलता है, यानी यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड लिखा है। यहाँ पे आपको EV मिलता है। दोस्तों, बात करें जो इसकी आपको बैटरी कैपेसिटी, वो 17.3 kW की है, जो कि आपको 230 km की ड्राइविंग रेंज देती है इन अ सिंगल चार्ज। एंड बात करें इसकी पावर फिगर्स की, तो ये 41.42 BHP निकालती है एंड जो इसका चार्जिंग टाइम है वो 7 hours है। दोस्तों, अब मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। दोस्तों, बात करें इसकी कीज़ की, तो ये काफ़ी स्टाइलिश कीज़ हैं। इसमें आपको अनलॉक, लॉक यानी आपको बूटलेट ओपन करने के लिए, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी बड़ा लेग रूम मिलता है, जैसे कि मेरी हाइट 6
6'1" है तो मैं आराम से इसमें कंफर्टेबली इसके अंदर बैठा हूँ। दोस्तों इसमें आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिलते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें कलर थीम यूज़ की गई है। दोस्तों इसमें आपको मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिलता है एंड आपको इसमें कीलेस एंट्री नहीं मिलती, कुछ इस तरह की आपको इसमें डिस्प्ले मिलती है। Wish you have a lovely day. दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है डिस्प्ले वगैरह एंड इसमें आपको वॉइस कमांड मिलता है The bat. कुछ इस तरह से आपको इसमें ट्रिप इंफॉर्मेशन मिलती है, बैटरी लेवल मिल जाता है एंड इसमें आपको दोस्तों जो इसमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट करता है। Today's weather is mostly sunny, 38.9 inch whole tower. बड़ी म्यूजिक स्क्रीन मिलती है, 10.25 इंचेस की आपको इसमें स्क्रीन मिलती है एंड आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों मैंने इसको ड्राइव किया है, काफ़ी पेपी एंड एफोर्टलेस ड्राइव है इसकी और इसमें आराम से 4 adults कैपेसिटी है। दोस्तों इस तरह से इसमें आपको स्टाइलिश एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप बॉटल होल्डर बॉटल वगैरह स्टोर कर सकते हैं, एक एसी वेंट को जिसमें इधर है एक इधर है, आपको इसमें टोटल 4 AC वेंट्स मिलते हैं एंड इसमें आपको इधर एसी वगैरह के दिया गया है, मैनुअल इसमें आपको एसी मिला है। दोस्तों ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, यहाँ पे आपको मोड्स हैं ड्राइव न्यूट्रल आर रेयर, यहाँ पे आपको पावर विंडो के लिए स्विचेस दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा हेडरूम एंड लेगरूम, बहुत कंफर्ट, मतलब आपको पता ही नहीं लगता कि आप इतनी एक मतलब बाहर से देखने जितनी छोटी है अंदर से उतनी ही कंफर्टेबल एंड बड़ी है ये। दोस्तों मैं आपको इसको इसमें पिछली सीट में लेके चलता हूँ, जैसे कि ये यहाँ से इसकी दोस्तों एंट्री है, यहाँ से दोस्तों इसकी एंट्री है रेयर में। दोस्तों काफ़ी खुली एंड कम्प्लीटली, बहुत पीछे भी अच्छा हेडरूम एंड लेग रूम एंड आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं आगे भी सीट इसकी टोटल अच्छी, आगे करने के बाद भी यहाँ पे इतनी स्पेस बचती है एंड आपको यहाँ पे इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई है, फ्रंट वालों के लिए आगे। दोस्तों इसमें आपको टोटल 4 speakers मिलते हैं, और बात करें दोस्तों इन डायमेंशंस के साथ इसमें आपको बहुत अच्छा टर्निंग रेडियस मिलता है 4.2 मीटर का एंड दोस्तों जैसे कि मैं अभी MG के हल्द्वानी शोरूम में खड़ा हूँ तो यहाँ पे इनकी जो प्राइस है, इनमें 3 models हैं तो सबके अलग अलग प्राइस हैं, जैसे कि तो मैं इसका आपको जो प्राइस है जो इनका बेस मॉडल है पेस उसका 7,98,000 एक्स शोरूम एंड जैसे कि ये प्ले मॉडल है इसका आपको 9,28,000 एंड जो एक इसका प्लस मॉडल है टॉप जो टॉप एंड है उसका 9,98,000 एक शोरूम है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैंने नीचे इनका नंबर दिया गया है, आप फर्दर इंक्वायरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। आपका अपना किरण ढिल्लों।